भाई ये पुल हिल रहा, सॉरी गाइस मैं नहीं जा पाऊंगा आगे, ये पुल हिल रहा है भाई, वीडियो के चक्कर में ये ना हो कि ये देख सकते हैं, मैंने बस आपको थोड़ा ये, ओहो अंदर तो भाई यहाँ बुरा हाल हो चुका है, देखो ये बंद ही है गाइस। अभी यहाँ पे शंकर भगवान की मूर्ति है भाई, सारे मतलब ये डूब गए थे, देखो नंदी महाराज है इधर, और यहाँ देखो मिट्टी कितनी बड़ी बड़ी है, पूरे बुरे हालात हो चुके हैं भाई अंदर से, बट इतना है कि भोलेनाथ की कृपा इतनी है भाई, देख सकते हैं आप महाकाल ऐसी थोड़ी बोलते हैं कि मंदिर को आंच तक नहीं आई बाहर से, ये देख सकते हैं आप यहाँ से पुल नहीं है और सामने से भी गिर रखा है, देखो मंदिर को देखो आप, बिल्कुल मंदिर के चारों तरफ पानी का। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हूँ मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में, और जहाँ पे मैं अभी हूँ इस जगह का नाम है भाई पंचवक्त्र टेम्पल, जो कि आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, बीच में बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था जब यहाँ पे फ्लड आया था मंदिर में, सॉरी मंडी में। तो जो ये मंदिर है भाई, ये पूरा पानी पानी से हो गया था बीच में मंदिर की, काफी रील्स जो है इंस्टाग्राम फेसबुक सोशल मीडिया पे काफी चला था, यूट्यूब पे भी न्यूज चैनलों पे ट्रेंडिंग पे था भाई ये मंदिर। तो इसीलिए क्या है कि आज कल भी मैंने जो पहला वाला, अगर आप मेरा ब्लॉग कंटिन्यू देखते होंगे तो इससे पहले वाला जो मेरा ब्लॉग था वो भी मैंने इसी से रिलेटेड बनाया था, बट उस टाइम पे यहाँ पे कोई बारिश नहीं थी, समथिंग वन वीक हो गया था, वन वीक से हूँ मैं यहाँ पे पिछले वन वीक से, क्योंकि रास्ता बंद था आगे से भाई, अभी कल खुला था रास्ता शिमला का, कल ही मैं यहाँ पे ब्लॉग बनाने आया था और आज ही दोबारा रास्ता बंद हुआ है, क्योंकि पूरे रात भर आज बहुत ज्यादा बारिश हुई यहाँ पे, और अभी भी काफी बारिश हुई थी अभी तक। अभी भाई दिन के साढ़े ग्यारह हो चुके हैं और अभी आ चुका हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा बारिश रुकी हुई है, तो यहाँ पे अब आज कल वो वाला व्यू नहीं था जो आपने पहले देखा होगा रील्स में जो वायरल हो रही थी पहले सोशल मीडिया पे, आज वो वाला पूरा व्यू है उतना नहीं है खैर, बट फिर भी देख सकते हैं आप, मतलब देखो पानी कितना खराब पानी आ रहा है यहाँ पे, देखो कितना ज्यादा पानी आया है, देखो चारों तरफ से ये सामने मंदिर है, चारों तरफ से पानी हो रहा है, देख सकते हैं आप, इधर पे नहीं जा सकते भाई, यहाँ पे इन्होंने तार बार लगा रखा है, बट फिर भी मैं चले जाता हूँ, ये देखो ये देख सकते हैं आप मेरे सामने, ये जो जहाँ पे आपको दिख रही होगी लड़कियां दिख रही होगी आंगन में मंदिर के, वहां पे मंदिर है, और यहाँ से मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कल स्पेशली इस मंदिर को कवर करने आया था, बट कल यहाँ पे कोई ऐसे इतना ज्यादा पानी नहीं था, कल बिल्कुल पानी कम था, नॉर्मल पानी था, साफ पानी आ रहा था, आज क्या है कि बहुत ज्यादा बारिश आई पूरे रात भर और सुबह से भी लगी है, देख सकते हैं सामने है मंदिर, क्या कह रहे हैं अंकल, हाँ कोई चक्कर नहीं, थोड़ा बस यहाँ से कवर करना है इसको, ओके ओके। तो ये देख सकते हैं इधर पे भाई बहुत सारा, मतलब बारिश की वजह से अभी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, और ये देखो ये जो पुल है ये यहाँ से गिर चुका है, यहाँ से जा नहीं सकते, जो सामने पुल है आप देख पा रहे हो, ये पुल है यहाँ से नहीं जा सकते सामने, अब मेरे को ऊपर वापिस जाना पड़ेगा, एक ग्राउंड है यहाँ पे अंकल जी से मैंने पूछा अभी, या फिर जो पुरानी मंडी बोलते हैं ना अंकल इसको, ये सामने पुरानी मंडी है ना, हाँ या तो मेरे को पुरानी मंडी से जाना पड़ेगा। पुल कब गिरा था वैसे ये वाला पुल, 10 जुलाई को गिरा, अच्छा 10 जुलाई को, 10 या 11 को, अच्छा ये जुलाई को गिरा था, मतलब कल तो आया था मैं यहाँ पे, कल जिस टाइम आया था ना, मैं एक्चुअली ऑल इंडिया ट्रेवलर हूँ, ऑल इंडिया जाता हूँ मैं, तो मैंने यहाँ का ब्लॉग बनाया था कल, तो कल तो यहाँ पे मतलब कोई ज्यादा पानी, ये जो पानी है इतना गंदा पानी नहीं आ रहा, साफ पानी था बिल्कुल बढ़िया था, और आज रात पूरे 24 घंटे बारिश हुई, तो इस वजह से भाई अंकल जी भी मेरे को बता रहे थे, अब मेरे को वापस जाना पड़ेगा, ये पुल के बारे में मैंने आपको बता दिया 10 जुलाई को गिरा था, बाकी एक बार मैं इसका व्यू आपको अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। ये देखो भाई यहाँ से पुल गिर रखा है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से पुल नहीं है और सामने से भी ये गिर रखा है, देखो मंदिर को देखो आप, बिल्कुल मंदिर के चारों तरफ पानी का,
बहाव देखो आप कितना तेज है। सामने अगर जाऊंगा तो आपको सामने अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। यहाँ से ये देखो, आप देख सकते हैं कितना खराब पानी आ रहा, कितना गंदा पानी आ रहा, क्योंकि भाई यहाँ पे कल रात से सुबह से बारिश हो रही। देख सकते हैं, ये देखो पानी का बहाव कितना तेज है। लड़कियां सामने से हाई कर रही भाई। फाइनली पहुंच चुका हूं मैं मंडी के पंच बख्तर टेम्पल में, जो कि काफी न्यूज में था भाई अभी तक। और इधर से आया हूं मैं यहां पे। सबसे पहले जब आप आओगे तो पहले ही आपको हनुमान मंदिर पड़ेगा, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद यहां से आपको एक पहले पुल मिलेगा, जो कि पुल गिर चुका है अभी। मैंने उसको आपको सामने से दिखाया, जो सामने है उसको बोलते हैं छोटी काशी। मैं आपको पिछले ब्लॉग में बता चुका हूँ, इस ब्लॉग में बताना भूल गया था, क्योंकि वहां पे 80 मंदिर है और जो क्या बोलते हैं 80 टेम्पल है यहाँ पे पूरे। और अगर आप जाओगे काशी विश्वनाथ में, मेरे को यही पता लगा, एक आंटी जी ने बताया था मेरे को, तो वहाँ पे 81 टेम्पल, इसलिए इसको छोटी काशी बोलते हैं, एक मंदिर कम है कि यहाँ पे। और बाकी ये देख सकते हैं, ये रहा वो टेम्पल भाई, देखो भोलेनाथ की कृपा ऐसे है भाई कि इतनी खतरनाक बाढ़ आई यहाँ पे। ये देखो पूरा बालू ही बालू हो चुका है, रेत वगैरह इधर उधर आप देख सकते हैं। देखो देख रहे होंगे आप, पूरा रेत ही रेत हो रखा है भाई मंदिर में। ये मंदिर पूरा डूब चुका था, आपने देखा होगा अगर आपने न्यूज उस टाइम आप देख रहे होंगे, जिस टाइम मंदिर यहाँ पे मंडी में फ्लड आया था, तो उस टाइम ये पूरा मतलब थोड़ा थोड़ा इसकी चोटी बची थी सिर्फ ऊपर से, और फिर भी मंदिर को अभी भी देख सकते हैं आप। मंदिर को कोई भी आंच नहीं आ रखी है भाई अभी तो। मैं उसको आपको अंदर से दिखाऊंगा, बाकी बाहर का नजारा आप देख सकते हैं। अभी भी पूरा कूड़ा ही कूड़ा, कचरा ही कचरा हो चुका है, देखो रेत ही रेत है अभी। और आज देख सकते हैं आप नदी, ब्यास नदी कितनी मतलब गंदी आ रही बोले तो, मतलब कितना मिट्टी मिट्टी आ रहा पूरा पानी। और ये सामने जो आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं ओल्ड मंडी, पुरानी मंडी ये है भाई। बाकी मैं आपको इधर से एक बारी यहाँ का व्यू दिखाता हूँ छोटी काशी का। वैसे तो इधर जाना अलाउ नहीं है अभी, मना किया हुआ। वहां से भी मैंने दिखाया, यहाँ से भी, वहां से मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया। अगर आप मेरे रेगुलर ब्लॉग देखते होंगे तो उसमें मैंने आपको कम्प्लीटली हर एक चीज बता रखी है। ये देखो भाई ये पुल हिल रहा, सॉरी गाइज मैं नहीं जा पाऊंगा आगे, ये पुल हिल रहा है भाई वीडियो के चक्कर में, ये ना होगी भाई। देख सकते हैं, मैंने बस आपको थोड़ा ये दिखाना है, अकेले भी हूँ भाई, पता भी नहीं लगेगा किसी को कहाँ गया बंदा। ये देखो यहीं से आप देख सकते हैं, ये एंड आई मंडी जो आप देख रहे हैं अभी, और जो इस एरिया का नाम है, इस एरिया का नाम है भाई, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी कैमरे में, इस एरिया का नाम है छोटी काशी बोलते हैं इसको, देख सकते हैं भाई। एक बार ये रिक्स ले ही ना, वैसे तो हिल रहा पुल। चलो जय भोले बाबा की तेरी माया, डर लग गया भाई। ये देखो भाई पानी देखो कितना गंदा आ रहा। अब मैं आपको जल्दी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं व्यू आप यहाँ का, ये देखो कितना खराब पानी आ रहा भाई साहब। आज भी मतलब इतना ज्यादा बारिश आई यहाँ पे, पूरी रात भर बारिश लगी यहाँ पे। और यहाँ पे 72 घंटे का मंडी में अभी ऑरेंज अलर्ट जारी है भाई, ये देख सकते हैं। अब जा रहा हूं मैं आगे, अब आपको उस मंदिर का व्यू दिखाता हूं, जहां के लिए मैं इतना दूर से आया हूं भटक भटक के, रास्ता भी नहीं मिल रहा था, दो तीन बार तो मैं भटक ही गया। आज मैंने वहां नहीं आना था, आज मैंने डायरेक्ट इधर आना था, क्योंकि मैंने वहां की आपको वीडियो ऑलरेडी बना रखी थी छोटी काशी की, बट मेरे को आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि मेरे को रास्ता बताया किसी ने कि यही रास्ता जाता है, मैं वहीं पहुंच गया दोबारा जहां मैं पहले दिन पहुंचा था। मैंने कहा अब यहाँ तक आ रखा हूँ तो वीडियो बनाना तो लाजमी है। यहाँ पे भाई शमशान घाट भी है सामने, ये देख सकते हैं किसी की डेथ हुई है साइड, इसलिए इतने लोग खट वहां पे हैं, ये देख सकते हैं।
देखो सीधे केले का पेड़ तक जम गया यहाँ तो। ये देखो रेत के ऊपर इतना ज्यादा खंडर हो गया मंदिर में। मंदिर को आज तक नहीं आई ये बात है। ये देखो भाई भाई मूर्तियां तक नहीं हिली भाई। ये देखो इतना इतना पूरा ये तो डूब, ये छोटा वाला तो पूरा डूब गया था भाई। देखो अंदर देखो मूर्ति देखो आप, ये शायद शंकर भगवान की मूर्ति है। ये देखो मतलब आज तक नहीं आई भाई मूर्ति बहिनी। थाली भी वहीं पड़ी है, ये देखो थाली तक पड़ी है वहां पे, ताला लगा हुआ है। अब आप बोलेंगे कि ये उसके बाद की पूजा की किसी ने, तो वो बात अलग है, वो मेरे को भी नहीं पता। कई लोग होते हैं जो फैक्ट चाहते हैं, बिल्कुल जिनको फैक्ट चाहिए होता है। और ये देखो भाई कि यहाँ पे चल रही है आशिकी फुल। ये अभी तक इसके साथ बहुत बदतमीजी कर रहा था, मैं इसको देख रहा हूँ तब से। ये देख सकते हैं आप, अंदर तो भाई यहाँ बुरा हाल हो चुका है। देखो एक टेंपल है, अंदर का हाल देखो भाई गाइज, अंदर के आप हालात देख सकते हैं। देखो ये है मंदिर के अंदर के हालात भाई। देखो अंदर बिल्कुल यही यही जमा है भाई, मिट्टी मिट्टी आ चुकी है अंदर। ये देखो इतनी मिट्टी लोगों ने साफ कर दी, जहाँ पे शायद पूजा स्थल है अंदर वहां पे मूर्ति बनी है। ये हालात है भाई टेंपल के। यहाँ पे सफाई चल रही है अभी देख सकते हैं। ये तो बंदी है भाई अभी, ये बंदी है गाइस अभी। यहाँ पे शंकर भगवान की मूर्ति है भाई, सारे मतलब ये डूब गए थे। देखो ये देख सकते हैं नंदी बैल है, नंदी महाराज है इधर। और यहाँ देखो मिट्टी कितनी पड़ी पड़ी है, पूरे बुरे हालात हो चुके हैं भाई अंदर से। बट इतना है कि भोलेनाथ की कृपा इतनी है भाई, देख सकते हैं आप महाकाल ऐसी थोड़ी बोलते हैं कि मंदिर को आज तक नहीं आई बाहर से। ये देखो बेलचा बुलचा काम कुम चल रहा है यहाँ पे तो प्रॉपर, अंदर से मंदिर को आज तक नहीं आई भाई। अंदर से बोले तो मतलब मंदिर कहीं से गिरा नहीं है। देखो इतना इतना पानी आया यहाँ पे, इतना इतना अंदर हो चुका है, पर मंदिर में आज तक नहीं आई थोड़ी भी। मंदिर गिरा नहीं, मंदिर ढहा नहीं। इधर पे तो खाली है पूरा, ये तो खाली है भाई। ये देखो यहाँ देखो पानी, देखो पानी कितनी कितना खतरनाक पानी आ रहा। ओ तेरी लहरें देख सकते हैं आप, गंदा कितना आ रहा, मिट्टी मिट्टी हो रही भाई।
ये देख सकते हैं गाइज, एक तो ये ब्यास नदी आ रही भाई इधर से। ब्यास नदी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, इसका पानी बहाव आप देख सकते हैं नदी का। देखो बहाव कितना तेज है, आज तो बहुत कम पानी है उसके मुकाबले जिस टाइम बाढ़ वगैरह आ रही थी। और एक ये वाला पानी आ रहा है जो ऊपर से आ रहा कहीं, ये मतलब कोई नदी नहीं है, ये ऐसी शायद नाला है, पर नाले को भी आप देख लो, ये देखो क्या क्या बह के आ रहा है इसमें, देख सकते हैं आप। नाला भी बहुत तेज आ रहा है भाई इधर से, और यहाँ पे नाले के साथ नाला मिल जाता है ब्यास नदी के साथ, और यहाँ से हो जाती है बहुत बड़ी नदी स्टार्ट। देखो इस पुल से भी मैंने आपको इस मंदिर को दिखा रखा है, बट इस पुल से जो ये छोटा वाला पुल है, इस पुल से जो पिछले वाला ब्लॉग आप मेरा कंटिन्यू देख रहे होंगे, बट वहाँ से रास्ता नहीं था यहाँ आने का, रास्ता इधर ही से था। तो ये है यहाँ का व्यू जो कि आपको मैंने दिखा दिया। ये देखो गाइज, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे भाई, तो इधर वाला पानी देखो, इधर वाला पानी कैसा है, ये वाला पानी देखो, इसमें बिल्कुल मिट्टी मिट्टी लग रही है। और जो ये वाला पानी है ऊपर से जो अभी आ रहा है, यानी कुल्लू मनाली से, ये वाला पानी देख लो पूरा काला है। ये देखो ये ब्यास नदी का पानी है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हैं आप थोड़ा थोड़ा डिफरेंट लग रहा है ना, इधर वाला काला है और इधर वाला थोड़ा मिट्टी वाला, क्योंकि ये खड्ड का पानी है भाई, ये वाला नाले का पानी है, और ये वाला जो है ये प्रॉपर नदी का पानी है। पर ऊपर शायद ज़्यादा बारिश आ रही है अभी, इस वजह से ये पूरा ऐसे आ रहा बेकार टाइप का, मतलब काला टाइप का। सो गाइस, ये यहाँ का मेन मार्केट जो कि आप देख सकते हैं, इसको इंदिरा मार्केट बोलते हैं, जो नीचे साइड है, बाकी ऊपर वाला मार्केट आप देख सकते हैं जो मंडी का मेन मार्केट है भाई। और यहाँ पे बना हुआ नीचे पार्क, एक गार्डन बना हुआ यहाँ पे अच्छा सा, इसके चारों तरफ है, इंदिरा मार्केट बोलते हैं इसको ये। सो गाइज, आज का ब्लॉग एंड कर रहा हूँ मैं पंचबख्तर मंदिर मंडी में, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं भाई, ये पंचबख्तर मंदिर है जिसका कि मैंने आपको प्रॉपर अभी टूर करा दिया है। सो होप करता हूँ कि आपको आज का ये मेरा ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए बाय।